वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में जो के जो सुधार के विषय हैं वो हम लोग की चर्चा के विषय होंगे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी है इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, आप जानते हैं, और ये बॉडी इंटरनेशनल मसले को रेगुलेट करती है और एक एनजीओ की तरह काम करती है। और इसकी जो आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट विंग है उसको सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद कहते हैं। और आज के जो विषय होंगे वह सुरक्षा परिषद के रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। मेरा नाम अपू चौधरी है और अन अकेडमी पर मेरे रेफरल कोड OPC10 लाइव है। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे होंगे। अभी आप अन अकेडमी के UPSC/ABSSSC कैटेगरी से रिलेटेड YouTube चैनल पर क्लास ले रहे हैं और ये कैटेगरी यूपी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कराने वाली इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे प्लस सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्स इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से प्राप्त होता है। सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब करने के लिए अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, गेट स्टार्टेड पे जाएं और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से लॉग इन करें, सिलेक्ट योर गोल पर जाएं और UPSC/ABSSSC को गोल के तौर पर सिलेक्ट करें और फिर OPC10 लाइव से रेफरल कोड के तौर पर इस्तेमाल करें। इससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा और कोर्स सब्सक्राइब हो जाएगा। और कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद आपको एनीवेयर एनी टाइम लाइव एंड रिकॉर्डिंग सेशंस अपने कन्वीनियंस से मिलेगी, बेस्ट एडुकेटर्स एंड इन्फ्लुएंसर से पढ़ने का मौका मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी आपको PDF फॉर्म में मिलेगी और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। ये चार फीचर मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं। ये सब आपको सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल होगा। कुछ फ्री कंटेंट भी, यानी कि नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ फ्री कंटेंट अनअकैडमी के इस कैटेगरी में ऑफर की जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। विजेता के नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है GS पेपर 1 की, ये 12 तारीख को एक हो चुकी है। दूसरी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो 26 दिसंबर को होने वाली है। आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसमें अपनी इनरोलमेंट कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाली है। जो टाइमिंग है वो 10 AM की टाइमिंग है। पेपर जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 150 क्वेश्चंस होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स होगा, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी और 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के तौर पे कट कर लिए जाएंगे। और एडिशनली इसके साथ रिवॉर्ड पॉइंट अवेलेबल है और आपकी अगर रैंक 1 to 25 आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको स्कॉलरशिप 100% से लेकर 25% तक मिलेगी अकॉर्डिंग टू द रैंक जो आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो और अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं तो उन्नत के नाम से यूपी लेखपाल 2021 के लिए प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज भी चल रही है। एवरी सैटरडे ये चलती है, 4 PM पे टाइम होता है, 120 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। कंप्लीट सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलता है और 200 मार्क का पेपर होता है। फटाफट आप इन कोर्सेज में अपनी इनरोलमेंट कराएं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग, इसकी पुनर्संरचना, इसके रिफॉर्म्स इत्यादि से संबंधित बातों के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्टरी बातें बताना चाहूँगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। अगर आप मेंबर्स की बात करते हैं, सदस्यों की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे बड़ी संगठन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ही देते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसने लीग ऑफ नेशंस, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, उसको रिप्लेस करते हुए, लीग ऑफ नेशंस के रहने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो लोगों का मानना था कि लीग ऑफ नेशंस एक इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है अगर वॉर्स या वर्ल्ड वॉर्स को रोकने की बात की जाए। तो उसी बैकग्राउंड में यूनाइटेड नेशन की परिकल्पना रखी जाती है 1945 में, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर देखा जाता है। उस समय वैसा कि इंडिया गुलाम था और अंग्रेजों के पास भारत का शासन था, लेकिन अंग्रेजों ने, मतलब आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश पीरियड में भी इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिला यूनाइटेड नेशन में, और इस तरीके से जो इसकी स्टेटस है फाउंडिंग मेंबर के तौर पर है। यूनाइटेड नेशन के प्राइमरली 6 प्रमुख इसके अंग हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में वर्किंग करें तो ये एक कोई एक सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके 6 विंग्स हैं, 6 अंग हैं, और इन 6 अंगों में 2 अंग सबसे
इम्पॉर्टेंट है, एक को कहते हैं जनरल असेंबली, पहला है जनरल असेंबली और दूसरी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में इसे सुरक्षा परिषद कहते हैं और इसे आम सभा कहते हैं या महासभा कहते हैं। ये महासभा और सुरक्षा परिषद इसके दो प्रमुख विंग हैं, बाकी और भी चार विंग्स हैं, अलग अलग मसले पे काम करती हैं। जनरल असेंबली एक वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पर काम करती है, इसमें हर कंट्री को एक वोट मिलता है, यानी कि इसकी जो थ्योरी है वो वन नेशन वन वोट की है, वन नेशन वन वोट के थ्योरी पे ये काम करता है। चाहे कंट्री छोटी हो या कंट्री बड़ी हो, पावरफुल हो या पावरलेस हो, सभी के वोट के पावर जो है वो इक्वल है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरीके की मेम्बरशिप है, एक को कहते हैं परमानेंट मेम्बरशिप और दूसरे को कहते हैं नॉन परमानेंट मेम्बरशिप। और इसके अलावा जो राइट्स हैं, पावर्स हैं मेंबर्स की, वो भी अलग अलग हैं। जैसे परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो राइट्स है, जिसको निरपेक्ष अधिकार कहते हैं, वीटो अधिकार। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो राइट नहीं है, यानी कि नॉन वीटो राइट मेंबर्स कहलाते ही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जनरल असेंबली में वन नेशन वन वन वोट की थियरी पर यहाँ पे काम होता है, तो सभी नेशंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। और देखिए किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना जरूरी होगा। अगर सभी की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर नहीं होगी तो वो वर्ल्ड बॉडी ट्रू सेंस में वर्ल्ड बॉडी रही नहीं जाती। इसलिए जनरल असेंबली को इस संदर्भ में काफ़ी महत्व दिया जाता है। और इसमें जो ये थियरी है वन नेशन वन वन वोट की, इसको सिक्योरिटी काउंसिल में इस मतलब इस थीम को, इस मीनिंग को, इस कॉन्सेप्ट को, ये रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया है, तो यहाँ भी इंश्योर करने की बात कही जाती है। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्क्रिमिनेशन है मेंबरशिप में, एक तो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, सभी रिप्रेजेंटेड नहीं है, यहाँ पे सभी रिप्रेजेंटेड है। जनरल असेंबली में सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इसमें 5+10 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो उनका चुनाव होता है, हर साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने जाते हैं, 2 साल का टेन्योर होता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले तक सुना होगा कि भारत को, इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली थी, तो क्योंकि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर था और फिर उसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें उसको 1 महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली थी, जिसमें उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ जो प्रस्ताव थे उसको पास करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी, जो काफ़ी चर्चाओं के विषय भी बनी थी। तो इस तरीके से आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो बात नहीं दिखाई देती है जो जनरल असेंबली में है। अब यूनाइटेड नेशन जब बना था उस समय सदस्यों की संख्या 50 के आसपास थी, धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हुआ, आज 3 गुनी सदस्य संख्या हो चुकी है। लेकिन अगर पावर, इसमें भी नॉन परमानेंट मेंबर्स बाद में इंक्लूड हुए, ठीक है, 5 इंक्लूड किए गए, 5 पहले भी थे नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स थे, लेकिन 3 गुनी रफ्तार से मेंबरशिप बढ़ी है। उसी रफ्तार से आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप नहीं बढ़ी है। तो इतने सारे कंट्रीज का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंश्योर नहीं हो पाता है। तो ये सब वजह बनती है कि भाई यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और कुल मिला के जो मुख्य बात होती है यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की, वो सिक्योरिटी काउंसिल पर जाकर टिकती है, क्योंकि यहाँ सभी, अब आप ये भी सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से सभी इसकी मेंबरशिप चाहते हैं। तो इसमें अब आप देखें दोनों का एरिया ऑफ वर्किंग, इसको कंपेयर करते हैं तो जनरल असेंबली के पास जो मैटर्स आती हैं वो मैटर्स जनरल मैटर्स होती हैं, जिनको हम लोग नॉन वॉर मैटर्स कहते हैं। वॉर से रिलेटेड जो मैटर्स नहीं होती हैं वो जनरल असेंबली के पास डिस्कशन के लिए आती हैं। और दूसरे जो मैटर्स होते हैं वो वॉर से रिलेटेड मैटर्स हैं, या इसको आप ये कह सकते हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी। यूनाइटेड नेशन का एक लाइन मैं बताना चाहूँगा आपको एक बार, एक लाइन में, यूनाइटेड नेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, हम लोग अगर अपने लोकल भी किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन की को बनाते हैं, तो आप देखें वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रहता है, कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। तो यूनाइटेड नेशन की प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या थी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, शांति और स्थायित्व। तो ये शांति और स्थायित्व के मसले पे, और शांति और स्थायित्व के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो चीज़ होती है वो है कि वॉरनेस नहीं होनी चाहिए। और वॉर्स की भी अपनी अपनी कैटेगरीज होती है, जिसमें वर्ल्ड वॉर्स सबसे बड़ी होती है वॉर में, तो वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में डिवेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और जो स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो प्रभावित हो जाती है। और अभी तक के अगर वॉर्स देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इन दोनों वॉर्स में कन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में न्यूक्लियर वेपन का भी छोटे स्तर पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन मोर और लेस अगर आप बात करेंगे तो एक कन्वेंशनल लाइन पे लड़ी गई। अब प्रेजेंट टाइम में एस्टिमेटेड ये है कि मोर देन 20,000 न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया के पास मौजूद है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 95% तो दो कंट्रीज के पास ही, USA और USSR के पास है। और नेचुरली अगर वर्ल्ड वॉर होगी तो ये दोनों किसी न किसी पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, तो ये सारे जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो अगर जो नागासाकी और हिरोशिमा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में गिराई गई थी, उसकी वो बहुत छोटे न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो उनकी एक डिवास्टेशन की कैपेसिटी इतनी थी, तो ये जो 20,000 हाई ग्रेड न्यूक्लियर वेपन है उनकी कैपेसिटी डिवास्टेशन की कितनी होगी आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसा मानते हैं आइंस्टीन, जिनको जिनकी थ्योरी पर न्यूक्लियर वेपन बना है, उनसे जब पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आपको क्या लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगी, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो पता नहीं है, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो होगी वो लाठी और डंडे से होगी। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो एसेंशियली न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा धरती से, और फिर से स्टोन एज आएगा, और स्टोन एज की जो लड़ाई होती है वो लाठी और डंडे से ही होती है। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर्स वर्ल्ड के पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए कितने, और आप अगर दोनों वॉर्स के वर्ल्ड वॉर्स के एक्सपीरियंस को देखें तो वो दोनों वॉर्स ही छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही थी, छोटे छोटे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, बाद में बड़ी बड़ी कंट्रीज उनके सपोर्ट में आ जाती हैं और फिर आपस में बढ़ जाती हैं। तो होता अभी भी ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में मसले हैं जहाँ पे कई कंट्रीज आपस में उलझी हुई हैं। अब इसी में से अगर किसी मसले पे उलझाव बढ़ गया तो ये वॉर्स की तरफ जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन को बेसिकली इसी मसले पर काम करना होता है। अब छोटे मसले ही रोकने हैं, क्योंकि छोटे मसले बढ़ते हुए ही बड़े मसले की तरफ बढ़ती है। तो स्ट्रेटजी वही है मोर और लेस आप देखें। अब पीस एंड स्टेबिलिटी का जो काम है वो सिक्योरिटी काउंसिल को दिया गया है। तो कुल मिला के आप कहें पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल क्या क्या करती है नॉर्मली, इस पर भी थोड़ा सी चर्चा होनी चाहिए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो नेगोशिएशन का करती है कि भाई चलो चर्चाएं कर लेते हैं, चर्चाओं के माध्यम से चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। तो पहला जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, वो नेगोशिएशन का होता है, मीडिएशन का होता है। लेकिन नॉर्मल एक्सपीरियंस ये है कि जो वारिंग ग्रुप्स होती हैं वो नेगोशिएशन मतलब वो कंक्लूसिव नेगोशिएशन की तरफ नहीं जा पाती हैं। तो फिर दूसरा रास्ता ये बचता है कि भाई जिनकी वजह से प्रॉब्लम है उन पर प्रेशर डाला जाए। तो प्रेशर एक्सर्ट करने का दो तरीका हो सकता है कि सैंक्शंस लगाए जाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिनको हम लोग आर्थिक प्रतिबंध कहते हैं। तो आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं, और अगर आर्थिक प्रतिबंधों से काम नहीं चलता है तो उसके बाद मिलिट्री एक्शंस होती हैं। तो ये नॉर्मली ये थ्री स्टेप्स है सिक्योरिटी काउंसिल, इसी के थ्रू अपने मैटर्स को रिजॉल्व करती है। जो पहला स्टेप होता है उसमें नेगोशिएशन करती है, दूसरा स्टेप होता है वो रिजोल्यूशन पास करती है अपने यहाँ, इसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू आर्थिक पाबंदियों के माध्यम से बाध्य किया जाता है वॉरिंग नेशंस को कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आए, और उसके बाद भी नहीं आती है तो मिलिट्री एक्शंस किए जाते हैं और मैटर को बढ़ने से रोका जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक्चुअल पावर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आकर कॉन्सेंट्रेट कर जाती है। तो जनरल असेंबली जो कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, उसके पास अगर आप देखें तो सारे नॉन पीस एंड स्टेबिलिटी के मैटर्स ट्रांसफर होते हैं, जो कि अगर चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन देखें, तो उसके हिसाब से थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो हाईली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसको आप मैटर ही अच्छे मैटर नहीं दे रहे हैं। जो
लेस रिप्रेजेंटेड बॉडी है उसी को आपने डिसीजन के राइट्स दे दिए इंपॉर्टेंट मसलों पे। तो यूनाइटेड नेशन में अगर आप डोमिनेंस की बात करेंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल की डोमिनेंस होती है, इसको पावर कहते हैं, जिसमें आप किसी को कुछ करने से रोक देते हैं, मिलिट्री एक्शंस करते हैं, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। और यहाँ भी मेंबरशिप तो 15 की है एट प्रेजेंट, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें वीटो राइट्स आपने दिया 5 मेंबर्स को, जो कि वीटो राइट्स एक्चुअल मायने में अगर देखें तो इसको राइट टू निगेट कहते हैं, ना करने का अधिकार इसको कहते हैं। तो 5 कंट्रीज हैं जो P5 पावरफुल 5 नेशंस भी कहलाती हैं, और इतफाक से ये 5ों नेशंस न्यूक्लियर वेपन पावर्ड नेशंस भी मानी जाती हैं। हालांकि आज न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड हो चुका है, इन 5 के अलावा भी 4 और कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हो चुका है। तो टोटल वर्ल्ड में ऑल टुगेदर 9 कंट्रीज के पास प्रेजेंट में न्यूक्लियर वेपन है। तो ये P5+4 वो कहलाते हैं। तो P5 में कौन कौन आएगा, USA आएगा, USSR आएगा, UK, फ्रांस एंड चाइना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, USA, USSR, UK, फ्रांस और चाइना, ये 5ों परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इनके पास ही एक्चुअल मायने में राइट कॉन्सेंट्रेट करती हैं सारी। तो इस वर्ल्ड बॉडी की जो पावर सेंट्रलाइजेशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, और सिक्योरिटी काउंसिल में पावर सेंट्रलाइजेशन इन 5 नेशंस के पास है। तो पूरी दुनिया के मसलों पर ये 5 राष्ट्रों की जो आप कह सकते हैं, ये जो 5 राष्ट्र हैं उनके निर्णय हावी हो जाते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन को ऑल टुगेदर एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव, एक गैर प्रतिनिधि संस्था बनाने की दिशा में हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि भाई यूनाइटेड नेशन को और डेमोक्रेटिक बनाया जाना चाहिए, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है। और इसमें अब रीस्ट्रक्चरिंग में कई सारे मसले हो सकते हैं। वे रीस्ट्रक्चरिंग में एक तो ये भी हो सकता है कि वीटो राइट कोई बहुत अच्छी राइट नहीं है, राइट टू निगेट है, आप कुछ लोगों को ये अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वो राइट टू नो कहें, यानी कि ये जो 5ों ना कह देते वो ना ही होता है, उसमें कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो एक नेगेटिव राइट है, इसको तो नहीं होना चाहिए, एक ये है। लेकिन फिर प्रैक्टिकल अगर आप होकर चलें तो जिनको आपने राइट्स दिए हुए हैं वो राइट्स छोड़ेंगे क्यों? 1945 में जो सिचुएशंस थी वर्ल्ड की, ठीक है, उनको ये पावर्स मिल गई हैं 5ों को, तो क्या वो 5ों ये छोड़ना चाहेंगे? तो वो क्यों रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार होंगे? तो मोर और लेस इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज यही कहती हैं कि आप किसी के राइट को कम नहीं करें, दूसरे को राइट स्प्रेड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्सपेंशन ऑफ द राइट्स हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स हो सकता है, लेकिन स्नैचिंग ऑफ द राइट्स नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ज़्यादा प्रैक्टिकली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्ट्रक्चरिंग लगती है उसमें ये लगता है कि वीटो मेंबर्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए और परमानेंट मेंबर्स और बढ़ाए जाने चाहिए। और उसका जो एग्जैक्ट फिगर है वो क्या होना चाहिए, ये अगेन डिस्प्यूटेड है। कोई कहेगा भाई 10 लोग को परमानेंट बना दो, 5 नॉन परमानेंट बना दो, कोई कहेगा 26 बना दो टोटल, क्योंकि कितने लोग ट्रूली रिप्रेजेंट करेंगे 194 नेशंस को, ये कैसे डिसाइड होगा? तो सबकी अपनी अपनी बात होगी, इसमें कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सब बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग के मसले हो जाएंगे। फिर आएगा मसला कि चलो जी, एक बार अगर फिगर पे फिक्स हो गई बात कि हमें परमानेंट मेंबर्स बनाने हैं 15 और 10 बनाने हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, यानी कि टोटल 25 मेंबर बॉडी बन जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल, तो फिर बात होगा कि भाई इस 10ों में 5 तो पहले से परमानेंट मेंबर्स हैं ही, 10 जो मेंबर्स हैं वो और कहाँ से आएंगे, कौन कौन होंगे? ठीक है, सब दावेदारी करना चाहेंगे, इतनी वर्ल्ड बॉडी जिसके पास इतनी पावर हो सभी उसमें आना चाहेंगे, तो ये समस्या आएगी। तो ये सब एक्चुअल मायने में समस्याएं हैं। तो ये सारे मसले ही बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल या UN रिफॉर्म्स भी कहलाता है, UN रिफॉर्म्स के दायरे में आती है ये सारी चीजें। क्लियर है ये? तो आप देखें स्लाइड पे, आप स्लाइड का वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन क्यों, वाई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, क्यों इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए? मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं इस सेशन में इसको डिटेल नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको प्लस कोर्सेज में आना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट के 25 मिनट के सेशन में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं, बट मैंने कोशिश किया है कि आपको नोट्स मिल जाए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम कंटेंट दिया हुआ है, ये हिंदी वर्जन है इसका, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है कि भाई ये 51 टू 193 तक इसकी मेंबरशिप चली गई है 30 ईयर्स में, लेकिन आज भी मोर और लेस जो परमानेंट मेंबर्स थे वो तो उतने ही है, थोड़ी जो संख्या बढ़ी भी है वो नॉन परमानेंट की बढ़ी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि
कैसे होगा ये? सबसे पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास वीटो राइट है वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो स्टैंड क्या है पावरफुल फाइव का, यानी कि पांचों जो पावरफुल फाइव हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई, वो क्या चाहते हैं, वो अलाउ करते हैं, उनकी क्या सोच है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएसए की अगर आप बात करते हैं तो यूएसए फेवर में, वो कहता है कि रिफॉर्मर एक्सपेंशन होना चाहिए, और ये कहता है लेकिन ये जो होना चाहिए ये क्राइटेरिया बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, कुछ इसके क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बेस्ड रिफॉर्म्स की रिफॉर्म की बात करता है, और मोटे तौर पे जिन क्राइटेरियाज की ये बात करता है उसमें कहता है कि इकोनॉमिक साइज के क्राइटेरिया होनी चाहिए, पॉपुलेशन, मिलिट्री कैपेसिटी, कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और उसके अलावा फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस। तो ये मसले हैं इकोनॉमिक साइज, पॉपुलेशन, मिलिट्री कैपेसिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को लेकर कमिटमेंट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सब मसले जिन कंट्रीज़ की इन सब में रैंकिंग अच्छी है उनको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। तो ये यूएस का अप्रोच है, मतलब यूएस इज, आप कह सकते हैं कि यूएस इज ओपन टू द आइडिया ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो दूसरा आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट घटक है वो यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है, वो उनका मोर और लेस सिमिलर व्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में दिया। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि डिटेल में तो सारे ही स्लाइड्स की हिंदी इंग्लिश दोनों लगी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे क्योंकि एक यूट्यूब सेशन 25-20 मिनट्स में हम लोग डिटेल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास नोट्स होनी चाहिए इसलिए मैंने स्लाइड्स दिया, फिर से कहूँगा। तो यूके और फ्रांस का सिमिलर स्टैंड है, और ये भी कहते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ द रिफॉर्म होनी चाहिए, और ओवरऑल जो वर्किंग मेथड है सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें भी चेंज होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान, ये चार कंट्रीज ऐसे हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ अफ्रीका के भी रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। तो मोटे तौर पे देखें तो ये भी ओपन है सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये बकायदा कुछ कंट्रीज के मेंबरशिप को भी सपोर्ट देते हैं यूके और फ्रांस की अगर बात करें। रसिया के स्टैंड की अगर बात करें तो रसिया का भी मानना है कि वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन को न्यू वर्ल्ड रियलिटी से को एडेप्ट करना चाहिए और उसे अपनी जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और इसका जो मल्टीनेशनल नेचर है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो यूएन चार्टर के प्रोविजंस की इंटीग्रिटी है उसको बहाल रखी जा सके, बचाई रखी जा सके। और इसके लिए रसिया का ये कहना है कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, तो इसका पुनरुत्थान या पुनरुद्धार होना चाहिए। और ये मानता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि हमें इस प्रोसेस को डिले नहीं करना चाहिए, एक कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाल कर तेज़ी से इस काम को किया जाना चाहिए। तो आप चार कंट्रीज़ के स्टैंड देखें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो सभी ओपन है, यूएस उसमें क्राइटेरिया बेस्ड की बात कह रहा है, फ्रांस और ये तो कंट्रीज़ का नाम भी ले रहे हैं, और रसिया कह रहा है कि इसको डिले मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे मसले होंगे, अब इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकालिए और इसको फटाफट इस काम को कर डालिए, ठीक है। चाइना के स्टैंड की हम लोग बात करते हैं, पांचवा जो मेंबर है परमानेंट मेंबर, वो कहता है कि डेमोक्रेटिक एंड पेशेंट कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो कहता है भैया जल्दीबाजी के हैं, आराम आराम से करो। तो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक एंड पेशेंट कंसल्टेशन होनी चाहिए, धैर्यपूर्वक और प्रजातांत्रिक, यानी सबसे मिल बैठ के और पूछताछ करके करो, ये कह रहा है। तो अगर इसके शब्द देखें तो डिप्लोमेटिक आपको दिखाई देंगे। अब ये पेशेंट कंसल्टेशन एक टालने वाली बात हो गई, और डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन का मतलब हो गया, ये कहता है इसका कहना मतलब ये है कि आप इसको डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं तो आप इसको डेमोक्रेटिक तरीके से या मूव करें, लेकिन समस्या यही है कि अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से मूव करेंगे तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है क्योंकि बहुत वक्त भी लग सकता है इसमें, अब सबसे राय लेना और सबकी सहमति लेना, तो सबकी राय और सहमति इतनी आसानी से तो मिलने वाली नहीं है। मोर ओवर वो कहता है कि रीजनेबल एंड नेसेसरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रायोरिटीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी एस्पिरेशन, वो इंडिया के एस्पिरेशंस को भी रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया का एस्पिरेशन है यूनाइटेड नेशन में ग्रेटर रोल प्ले करना, उसको भी ये अहमियत देता है, लेकिन इंडिया के कैंडिडेचर को वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, और मोटे तौर पे देखें तो वो एक डिले प्रोसेस पे काम करता हुआ दिखाई देता है। तो चाइना के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत सहमत नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्ट्रक्चरिंग, रिवाइटलाइजेशन एंड रिफॉर्म के लिए, बाकी सभी परमानेंट मेंबर्स इसके लिए बाकायदा रेडी है। हिंदी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं इसलिए आप स्लाइड स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, पढ़ेंगे क्लियर भी हो जाएगा। अब आप देखिए, एक तो ये हो गया स्टैंड, दूसरा ये कि जो लोग चाहते हैं उनका क्या स्टैंड है
सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्पायरर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। तो एस्पायरर कौन कौन है भाई? तो इन्होंने भी अपनी ग्रुपिंग बना रखी है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सके और प्रेशराइज कर सके वर्ल्ड बॉडी को और बिग पावर्स को कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप बना हुआ है वो है G4 नेशंस कहलाता है। ये G4 ग्रुप भी कहलाता है। ये सबसे बड़े चारों एस्पायरर्स माने जाते हैं परमानेंट मेंबर्स के। और इसमें पीछे जो उन्होंने नाम लिया ये चार कंट्रीज़ का, इसलिए G4 कंट्रीज से कहलाती हैं, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान। ये चार है, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान, ये फोर G4 कहलाते हैं। ये सबसे बड़े एस्पायरर में से माने जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी सबसे ताकतवर मानी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए। इसमें ब्राज़ील का ये मानना है, वो कहता है कि पिछले 60 सालों से जो रिस्ट्रक्चरिंग है सिक्योरिटी काउंसिल की, इसको फ्रीज किया गया है और अब समय आ गया है कि इसको जल्दी से किया जाए। जापान का ये मानना है कि यूनाइटेड नेशन को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। और अपने बारे में वो कहता है कि भाई 10 times वो टू टर्म्स के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर रहा है, इलेक्ट हुआ है, तो उसकी उसके लिए एक बेहतर आप कह सकते हैं माहौल है। जर्मनी का स्टैंड है कि भाई ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड की, इसलिए इसको तुरंत से रिफॉर्म करना चाहिए। और कम से कम 5 नए मेंबर्स परमानेंट नेचर के लाए जाने चाहिए, क्योंकि जो करंट पोजीशन है, कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आउटडेटेड है। अब इसको नए तरीके से किया जाना चाहिए। और जर्मनी कहता है कि वो एक प्रबल दावेदार है, उसको एक सीट जरूर मिलनी चाहिए। आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे इंडिविजुअल कोर्सेज और बैच कोर्सेज दोनों तरह की कोर्सेज चलाई जाती हैं। अभी मैं आपको इंडिविजुअल कोर्सेज में मेरी 2 कोर्सेज आने वाली हैं रिसेंट में। एक तो 2 February को मेरी कोर्स आ रही है बेसिक इकोनॉमी की कोर्स है। ये बेसिक इकोनॉमी की एक डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है। तो बिल्कुल जो फ्रेशर है इकोनॉमी की, जिनको प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसकी जो टाइमिंग है 8:35 PM है। नॉर्मली मेरी जो क्लास की टाइमिंग होती है वो 8:35 PM होती है। उसके अलावा जो दूसरा कोर्स आने वाला है वो 30 March से आने वाला है। इसकी भी टाइम सेम है 8:35 PM। और इसमें जो क्लासेज रहेगी वो ये फाउंडेशन कोर्स ऑन इकोनॉमी होगा, फाउंडेशन कोर्स ऑन इकोनॉमी। इसमें प्री और मेंस दोनों कवर होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को इकोनॉमिक से प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, वो 2 February वाले बैच भी ज्वाइन करें। बेसिक इकोनॉमी से फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से होगा। प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर किए जाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें। जो मेंस से पूछा जाता है वो रिलेटेड चीज़ कवर की जाती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी और इन कोर्सेज को में इनरोलमेंट कराने के लिए अगर आप सब्सक्राइब हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इनरोलमेंट होगी, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। लास्ट में बताऊँगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, आप अनअकैडमी में मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो करेंगे तो आपके कोर्स पेजेस दिखाई देंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेते समय OPC10 लाइव, ये मेरी रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो फाउंडेशन कोर्स ऑन इकोनॉमी प्री प्लस मेंस के लिए, और बेसिक इकोनॉमी 2 February एंड 30 March से 2 कोर्स शुरू हो रही है। उसके अलावा बैच कोर्स है। बैच कोर्स में एक तो 2.5 months की 1 December से कंप्लीट बैच फॉर UP पुलिस कॉन्स्टेबल शुरू हुई है, ठीक है। दूसरा उद्गम के नाम से UPSC RO के लिए एक मेंस का बैच शुरू हुआ होने वाला है 22 दिसंबर से, यानी कि कल के दिन से शुरू हो रहा है। अब आइए हम लोग बात करें। तो मोटे तौर पे अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म क्यों होनी चाहिए, दूसरी हम लोगों ने बातचीत जिसकी चर्चा की है, पावरफुल P5 नेशंस या जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है उनका स्टैंड क्या है, तीसरा हम लोगों ने बात किया जो एस्पायरर्स हैं G4 उनका स्टैंड क्या है, और अब हम लोग बात करेंगे कि जो G4 के एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स का काउंटर एक्शन क्या है। तो कुल मिला के अगर कोई मसला इतने लंबे समय से पेंडिंग है तो नेचुरल है उसमें बहुत सारी डिस्प्यूट्स होंगी, तो अपोजिशंस होंगी, राइट। उसमें काउंटर एक्शंस होंगे, तो ये काउंटर एक्शंस कौन कर रहा है? अगर G4 कोशिश करता है कि परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए उसे, तो इसके विरोधी कौन है, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो मोटे तौर पर देखें तो
कई सारे ब्लॉक्स आपको यूनाइटेड नेशंस में बनते हुए दिखाई देंगे। जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसकी चर्चा आप लोगों ने की, जापान, जर्मनी, इंडिया एंड ब्राज़ील की, जो G4 कहलाती है, और ये मानते ये हैं कि 23 नेशंस काउंसिल बनाई जानी चाहिए। ठीक है, एक 23 देशों का एक संगठन होना चाहिए ये कम से कम। और ये कहते हैं कि शुरुआत के 15 साल तक जो परमानेंट मेंबर्स होंगे उनको वीटो राइट नहीं मिलेगा, और बाद के 15 सालों के बाद उन्हें भी वीटो राइट मिल जाना चाहिए। मतलब ये है कि स्कोप रखो कि अगर सभी अपना वीटो राइट विड्रॉ करते हैं परमानेंट मेंबर्स, तो विड्रॉ हो जाए, क्योंकि वीटो राइट इज हाईली नॉन डेमोक्रेटिक। और अगर वीटो हटती नहीं है तो वीटो एक्सपेंड करनी होगी, तो वीटो हमें मिले 15 सालों के बाद। दूसरा जो ग्रुप है वो यूनिटी फॉर कंसेंसस कहलाता है, UFC कहलाता है, इसको पॉपुलरली कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है, या इसको फुलूसी क्लब भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन में इटली के एम्बेसडर थे फ्रांसिस्को पैलियो फुलूसी, उन्हीं के नाम पे ये फुलूसी कॉफी क्लब कहलाता है, और ये 1997 से इस क्लब की शुरुआत हुई। एक इनफॉर्मल ग्रुप है ये, अनौपचारिक है ये, इसका कोई मेंबरशिप और ये सब नहीं है, एक नॉर्मली लोग मिलते हैं, यूनिटी फॉर कंसेंसस कहलाते हैं। इसमें जो लीडरशिप दी जाती है वो साउथ कोरिया, इटली, पाकिस्तान और अर्जेंटीना की लीडरशिप है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर इंडिया G4 में है और पाकिस्तान यूनिटी फॉर कंसेंसस में है, तो यूनिटी फॉर कंसेंसस क्या कहती है। तो ये मानते हैं, तो ऑल टुगेदर आज की डेट में देखें तो यूनिटी फॉर कंसेंसस में या कॉफी क्लब में या फलोसी क्लब में लगभग 40 नेशंस इसके मेंबर हैं। और ये मानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, इसका रिवाइटलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि रोटेटिंग मेंबरशिप होनी चाहिए, मतलब फिक्स ना किया जाए, जो नए मेंबर्स इंक्लूड होंगे उनका रोटेशन रहेगा। और ये कहते हैं कि 25 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ और उसको मेंबरशिप को रोटेट करते रहो। अब इसमें मोटे तौर पर देखें वो सभी लोग हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल या G4 के ओपोनेंट्स हैं। अब इसमें ये बनाई है G4 के एफर्ट्स को खत्म करने के लिए या उसको अपोज करने के लिए। तो इसमें इटली और स्पेन के बारे में कहते हैं कि वो जर्मनी की जो दावेदारी है उसका वो अपोजिशन करते हैं, पाकिस्तान इंडिया का अपोजिशन करता है, अर्जेंटीना ब्राज़ील का अपोजिशन करता है, और कनाडा और साउथ कोरिया ये ऑस्ट्रेलिया इसमें वो जापान की मेंबरशिप की आलोचना करता है, विरोध करता है, और कनाडा और साउथ कोरिया डेवलपिंग नेशंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यूनिटी फॉर कंसेंसस एक आप कह सकते हैं एक ओपोजिशन ग्रुप के तौर पर काम करता है एस्पायरर्स के अगेंस्ट। एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको एजुलविनी कंसेंसस कहते हैं। तो यानी कि तीन ग्रुप में बटे हुए हैं सारे नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्ट्रक्चरिंग का मैटर है, अगर उसकी बात करें। पहला G4 हो गया, दूसरा कॉफी क्लब हो गया जिसमें लगभग 40 मेंबर्स हैं, तो 40, और तीसरा एजुलविनी कंसेंसस कहलाता है, ये थर्ड ब्लॉक है, और इसमें 54 अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स हैं। इनका ये कहना है कि 26 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जानी चाहिए, जिसमें 6 न्यू वीटो मेंबर्स होने चाहिए, मतलब न्यू परमानेंट मेंबर्स विद वीटो राइट होने चाहिए, 4 न्यू इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। तो ये एक तरीके से आप देखें तो 6+4 यानी कि जो 15 भी हैं रहने दो, इसमें और इसमें 11 लोगों को और इंक्लूड करो, इसमें 6 लोग परमानेंट नेचर के होने चाहिए विद वीटो राइट, और 4 न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होनी चाहिए। और उसमें ये मानता है कि कम से कम दो, इन 6 में 2 परमानेंट मेंबरशिप तो अफ्रीकन नेशंस को मिलनी चाहिए, क्योंकि आबादी और साइज, ज्योग्राफी, ये सब कुछ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन अफ्रीकन यूनियन इतने की आवश्यकता ज़रूर रखता है। तो अब ये तीनों में आप देख ही रहे हैं, तीनों अलग अलग अपनी भाषा कह रहे हैं, और कोई भी अगर आप रिफॉर्म करेंगे तो ये तीनों ही ग्रुप के लोग ही बेनिफिशियरी होंगे। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्यों चाहेंगे कि नए लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के रास्ते में। हिंदी में भी ये सारी स्लाइड्स लगी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए, क्लासेस में आप आएंगे प्लस क्लासेस में तो हम लोग शायद और डिटेल में माइन्यूटली इसकी डिस्कशन कर पाएंगे, अभी चूंकि सेशन छोटा है इसलिए। अब अभी तक इसके लिए एफर्ट्स क्या क्या हुए, सिक्योरिटी काउंसिल में इतनी सारी बातें हो रही रिफॉर्म्स की, देखिए कुछ एफर्ट्स भी लिए गए हैं। तीन मेजर एफर्ट्स मानी जाती हैं, 1997 में एक एफर्ट लिया गया था, फिर 2005 में लिया गया, और अभी जो प्रेजेंट में एफर्ट चल रही है वो 2009 में इनिशिएट हुई है, अभी तक ये लॉजिकली कंक्लूड नहीं हुई है।
1997 में जो एफर्ट आई थी उसको उसको रजाली रिफॉर्म प्लान कहते हैं। 2005 में जो कोशिश हुई थी उसको इन लार्जर फ्रीडम उसको कहा गया था, और अभी 2009 में जो एफर्ट लिया गया इसको इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कहते हैं या IGN कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीन आपके एफर्ट ऑलरेडी टाइम टू टाइम लिए गए। इससे माना गया था कि जो 2005 का लार्जर रिफॉर्म था कोफी अन्नान के द्वारा लाया गया था, जो उस समय जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थे, UNGA का सबसे बड़ा पोस्ट सेक्रेटरी का ही है, तो UNGA के सेक्रेटरी के तौर पे इन लार्जर फ्रीडम के नाम से उन्होंने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के लिए एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था। ऐसा लगा था कि इस पर सहमति बन जाएगी और ये हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली 2009 में इनिशिएट की गई इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस, 10 साल से भी अधिक समय हो चुके हैं और इस पर अभी तक ये नॉन कंक्लूसिव और आप कह सकते हैं ये डिले प्रोसेस के तौर की बहुत ही दिखाई देती है। डिटेल तो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा रजाली प्लान में क्या था, लेकिन स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए ताकि आप इसके लेक्चर मतलब इसके जो कंटेंट है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इंग्लिश में ये लेक्चर कंटेंट है, हिंदी के भी कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्राइमरली 24 तक एक्सपेंशन की बात है कि 24 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल 24 मेंबर बॉडी होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल। लार्जर फ्रीडम 2005 में आई थी कोफी अन्नान के एफर्ट से। इसका पूरा नाम अगर देखें तो इन लार्जर फ्रीडम डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट था। ये कहते हैं कि बहुत सीरियस था, यहाँ पर सहमति होती, लेकिन एंड मोमेंट में इसमें ये भी नहीं आगे बढ़ पाई। हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड स्क्रीन शॉट लेते जाए फटाफट। और अभी मोस्ट रिसेंटली आप देखें तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस 2009 में इनिशिएट हुई है, अभी भी चल रही है, और इसमें डिफरेंट ग्रुपिंग सामने आई है। अभी लगभग इसमें 6 ग्रुपिंग्स हैं जो नेगोशिएट कर रही हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन इस न्यू प्रोजेक्ट में। अफ्रीकन यूनियन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, G4 नेशंस कर रहा है, कॉफी क्लब या यूनिटी फॉर कंसेंसस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक L69 ग्रुप भी बना है डेवलपिंग कंट्रीज का, वो भी इसमें पार्टिसिपेंट है, अरब लीग की पार्टिसिपेशन, अरेबियन कंट्रीज ने भी अपनी ग्रुपिंग बनाई है, और कैरेबियन कम्युनिटी कैरिकॉम के नाम से एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये 6 आप कह सकते हैं मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस हैं। 2020 में कोविड की वजह से इसकी मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो होपफुली 2001 में भी इसकी प्रॉब्ली मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, तो वो भी आप देखना होगा। इसकी मीटिंग भी लगातार इसमें टल रही है, और इंडिया का भी फिलहाल स्टैंड ये है कि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको कंक्लूड किया जाए, इसको लंबा टाला नहीं जाए। तो ये हिंदी में सारी स्लाइड्स हैं। अब लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे अपर सुपरिटेंडेंट लोअर PCS RO EPSI UPSSI PET लेखपाल BU ऑप्शनल कोर्सेज सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इन सारे कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है, सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट है। सब्सक्रिप्शन की फीस भी बहुत मामूली है, 24 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI पे जो फीस है वो 567 रुपीज़ पर मंथ की है, 13,600 रुपये ऑल टुगेदर, और 12 महीने की नो कॉस्ट EMI पे 779 पर मंथ यानी कि 9,350 रुपये। फर्दर इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरी रेफरल कोड यूज़ करते हैं OPC10LIVE। ये रेफरल कोड आपके लिए डिस्काउंट कोड के तौर पे जो आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगी, और डिस्काउंटेड फीस होगी 24 महीने की 12,240 रुपीज़, और 12 मंथ की होगी 8,014 रुपीज़। और अभी आपको एक ऑफ़र मिल रहा है जो कि ऑफ़र ये 24 से लेके 24 दिसंबर तक अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको 12+2 और 24+3 यानी कि 24 महीने की सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ्स की फ्री
प्लस 12 महीने पे टू मंथ्स के फ्री आपको ये सारे प्लान अभी अवेलेबल हैं 24 दिसंबर तक। तो फटाफट आप सब्सक्रिप्शन लें। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का भी एक ऑप्शन है, अगर आप बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस की तैयारी साथ साथ करते हैं तो थोड़ा सा मामूली सा एडिशनल फीस देकर आप दोनों कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। 6 मंथ्स की फीस यहाँ पे 7,960 और 12 मंथ्स की जो फीस है वो 10,620 रुपीज़। और यहाँ भी 10% डिस्काउंट के लिए OPC10 लाइव इस रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल्स हैं, UPSC और SSC के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप है, इन सबके साथ भी जुड़ें ताकि आपको एग्जाम्स एंड कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज योर अनअकैडमी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर हम लोग इसी समय में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।